झांसी में पहली बार भारतीय परिधान साड़ी के साथ एक विशेष फोटो शूट झांसी किले पर हुआ है, जिसे ग्वालियर के एक ग्रुप सॉरी नॉट सॉरी द्वारा किया गया। झांसी दुर्ग पर आज ग्वालियर के एक ग्रुप द्वारा भारतीय परिधानों में महिलाओं का फोटो शूट हुआ, जिसमें नगर व क्षेत्र के विभिन्न महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आई महिलाओं से हमारी टीम ने बात की। ग्रुप की फाउंडर ऋचा सेभारे ने बताया कि जैसे वह अपने ससुराल ग्वालियर शहर में शूट करती हैं, उसी तरह से वह झांसी में शूट करने आए हैं, जिसमें सारी नारी और शहर की खूबसूरती को शूट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपने किले की ऐतिहासिक विशेषता, खूबसूरती व अपनी भारतीय संस्कृति को जोड़कर लोगों के सामने प्रस्तुत करें। इस फोटोशूट में सभी महिलाओं ने चंदेरी साड़ी पहनी, जिसे बुंदेलखंड में ही बनाया जाता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋचा शिवरे है और सारी नॉट सॉरी ग्वालियर ग्रुप की मैं फाउंडर हूँ, और उसी नाते मैं झांसी के सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा व सम्मान भरा नमस्कार करना चाहूँगी। साड़ी नॉट सॉरी ग्रुप जो है वो 4 साल से हम इस कैंपेन को चला रहे हैं, जिसमें हमने साड़ी जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, परिधान है, हमने उसको फिर से एक नए तरीके से रूप देने की कोशिश करी है। हमने ऐसे बहुत सारे शूट्स करे हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वीविंग्स, जैसे कलमकारी हुई, अभी हमने चंदेरी उठाया है। चंदेरी जैसे कहा जाता है फैब्रिक ऑफ बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए हमने झांसी में इस बार ये शूट रखा है, और यहाँ की ही 6 प्रतिभाशाली नारियों को, क्योंकि मैं अपने ग्रुप की सभी महिलाओं को नारी कहती हूँ, तो नारियों को हमने एक शूट प्लान करा है जो झांसी की ही कुछ ऐसी हिस्टोरिक प्लेसेस जिनका कुछ रिसेम्बलेंस है, उनके साथ हम ये शूट करने वाले हैं। वो हमारी फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम ग्वालियर, ऋचा शिवरे। उन्होंने हमसे कनेक्ट किया कि वो अलग अलग सिटी में साड़ी को प्रमोट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम झांसी में कर रहे हैं, तो इस बार आप हमें थोड़ा हेल्प करिए लोगों को मेकओवर देने में साड़ी के साथ, एंड पूरा मेकअप एंड एवरीथिंग वो सब हमारी तरफ से हमने वो किया है उनको हेल्प, और उसका मैं भी हिस्सा हूँ। तो उन्होंने 7 लेडीज़ को चूज़ किया है झांसी से, तो उसमें क्या है कि साड़ी को वो प्रमोट करना चाहते हैं कि साड़ी हमारा जो अटायर है वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सब लोग वेस्टर्न आउटफिट्स एंड वेस्टर्न उसको बहुत ज़्यादा अब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और साड़ी को लोग भूलते जा रहे हैं कि ये हमारे ट्रेडिशन है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमेशा साड़ी को ही प्रमोट करते हैं। बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में ट्राई करते हैं कि सब साड़ी पहने, तो वर्ल्ड वाइड लोग जाने कि साड़ी हमारा अटायर है, इंडियन वो है कल्चर। तो बस वही उसी चीज़ को हम थोड़ा सा हमने सोचा अपने हिस्से, अपने पार्ट पे हम क्या कर सकते हैं। बहुत झांसी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। पहले तो बुंदेलखंड वासियों को और आप लोगों को बहुत बहुत राम राम। हमारे बुंदेलखंड की लोक कला, संस्कृति, शिल्प, उद्योग निरंतर आगे बढ़ रहा है, और अभी पिछले 2 दिन पहले ही जालौन में चितेरी गमछा बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को चितेरी गमछा पहनाकर अंगवस्त्र से हम लोगों ने उनको बुंदेलखंड की शान, हमा बुंदेलखंड हमारी शान बताई, और वहीं उन्हें चितेरी की चित्रकला भी भेंट की। और उसी क्रम में आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हम अपने बुंदेलखंड के हस्तशिल्प के साथ साथ जो हमारा हथकरघा है, हैंडलूम चंदेरी, और चंदेलों बुंदेलों के राजाओं की मर्यादा, लज्जा, ये भीनी भीनी चुनरी की तरह ये चंदेरी है जो आँखों में नमी लाती है, कोमल है, लेकिन इसका ताना बाना बहुत मजबूत है। वो चाहे 11 वर्ष की बिटिया हो, राजस्थान की वो बंदेज को बराबर से टक्कर देने वाली ये हमारी चंदेरी साड़ी बड़े बड़े राजा महाराजाओं की रियासतों में दुल्हन पहनती है, उसको ओढ़नी उड़ाई जाती है, और राजा महाराजाओं की महारानियाँ इसको पहनकर इसके सुनहरी गोटे, किनारी और कुंदन, और इसका गोटाकारी का काम जो पूरे भारत में पहुंच रहा है, और इस सारी शूट को जो कि मध्य प्रदेश से ऋचा जी आई हैं और उन्होंने आज मैं भी उसका एक अंग बनी, प्रतिभागी बनकर, कि हर उम्र की, हर आयु की बेटी, बहू, पत्नी, सास, हल्का वजन नहीं है। और जैसे हम लोग सिल्क की साड़ियों को कीड़ों से मारकर बनाते हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के बुनकर तो जाए हाथ से बुनत और ऐसे बुनत के गांठ पड़ जाए लेकिन टूटत नहीं है और खूब अंगूठी में से निकल जाए। इतनी हल्के वजन की मजबूत साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ, अलग अलग रंग बिरंगी साड़ियाँ गोटा किनारी के साथ साथ आज हम इसका प्रचलन कर रहे हैं। सारी शूट जो रिमझिम राय
जो यहाँ की प्रभारी हैं, और उन्होंने आज हर उम्र की और हर क्षेत्र की महिला को यहाँ आमंत्रित किया। जैसे मैं ही पहली बार यहाँ आई हूँ और चंदेरी पहनकर रानी के किले पर, दुर्ग पर, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई भी चंदेरी की ओढ़नी ओढ़ती थी, इसलिए हम आज किले की शान से अपने बुंदेलखंड की या चंदेरी की पहचान बनावे जा रहे। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांद्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।